मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति अपने बिछावन पर बेड पे खाना रख के खाता है या उस पर बैठ के खाना खाता है वो दुर्भाग्य का शिकार होता है। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा या आपने भी कभी न कभी जरूर बिछावन पर बैठ कर ही खाना खाया होगा। बहुत सारे लोग तबीयत खराब होने पर बिछावन पर बैठ कर खाना खाते हैं तो ये ठीक है, एक हद तक चलो नहीं उठ पाते तो उनको बिछावन पे ही खाना दे दिया जाता है, उनकी मजबूरी है, उनकी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन आलस्य के कारण नहीं उठ रहे या अपने बिछावन पर बैठ कर ही खाना खा रहे हैं किन्हीं वजहों से भी। तो ये शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है, इससे व्यक्ति दुर्भाग्य का शिकार होता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और उनको अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता। जितनी मेहनत वो करते हैं अपने जीवन में उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता, मेहनत करते जाते हैं फल नहीं मिलता। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से आपने अक्सर सुना होगा कि बिछावन पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, इससे दोष लिखता है या अलग अलग तरह की धारणाएं अलग अलग समाज में हैं। लेकिन कुल मिला के हर जगह ये मना ही किया गया है कि बिछावन पर बैठ के आप खाना खाओ। अब इससे होता क्या है, जब आप बिछावन पर बैठ के खाना खाते हैं, थाली उस बिछावन पर ही रखते हैं, अब आप खाना खा रहे हैं, थाली जूठा, थाली जूठे से आपका बिछावन जूठा, पूरा का पूरा जूठा। अब जब पूजा पाठ में किसी भी तरह की तैयारी करते हैं तो नहा के आते हैं, अपने साफ कपड़े उस बिछावन पर रखते हैं, अब आपका वो कपड़ा जूठा, आपने जो कपड़ा पहना नहाने के बाद आप स्वच्छ नहीं हो पाए और जूठा कपड़ा आपने पहना, आपका पूरा शरीर जूठा। इससे क्या होगा कि जो भी कार्य से आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पूजा पाठ भी कर रहे हैं आप, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप स्वच्छ ही नहीं हैं। स्वच्छ क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जूठे कपड़े पहन रखे हैं, आप जिस बिछावन पर बैठे वो बिछावन ही जूठा था, सब कुछ जूठा था, इस वजह से नहीं होता है। दूसरा, बिछावन पे हम हमेशा रहते हैं, सोते हैं, इस पे कई तरह के बैक्टीरिया भी घूमते हैं, क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं तो भी इसी बिछावन पे बैठते हैं, कई बार बिछावन झाड़ा हुआ नहीं रहता है, गंदे रहते हैं, तो बहुत तरह के बैक्टीरिया उस पे चलते रहते हैं। जब हम थाली रख के खाते हैं तो उस थाली पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। अब एक ही बैक्टीरिया आपके त्वचा के संपर्क में आया है तो आपको नहीं कुछ होगा, लेकिन जब खाने के द्वारा वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आप इससे बीमार पड़ सकते हैं। तो इस कारण भी मेडिकल साइंस भी इस बात को मना करता है, खाना हमेशा स्वच्छ खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे जगह पर रख के खाना चाहिए। इसी वजह से मेडिकल साइंस पे भी मना किया गया है बिछावन पे बैठ के खाने से। एक और बात होती है, जब बिछावन पे आप बैठ के खाते हैं तो अक्सर लोग बैठ के नहीं खाते, कुछ लोग लेट भी जाते हैं, कुछ लोग आधा लेटे हुए रहते हैं, इस तरह से खाना खाते हैं बिछावन पे रख के। अब यहाँ पे क्या समस्या उत्पन्न होती है, खाना जब खाते हैं तो हमारी स्थिति इस तरह से होनी चाहिए जब हम खाना खाते हैं तो सीधा पेट के अंदर ही जाए, लेकिन जब आप लेट जाते हैं, आधा ही क्यों ना लेटे रहें, जब आप तब खाना खाते हैं तो हमारी जो खाने की नली होती है इससे बहुत सारी नलियाँ जुड़ी हुई रहती है। आपने भी सुना होगा कि सोए हुए में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे चाय वगैरह भी लेते हैं आप तो भी जब लेटे लेटे नहीं लेना चाहिए, इससे कई बार कान में, कई बार मस्तिष्क में चली जाती है लिक्विड चीज़ें जो होती है, इससे लोग पागल तक हो जाते हैं। ये हमारे मेडिकल साइंस में भी बिल्कुल मना किया गया है, जब भी खाने पीने की आपकी स्थिति हो तो इस तरह की हुई हो, जब बिछावन पे आप बैठ के खाएंगे तो आप लेट भी सकते हैं, लेट के जब आप कुछ चाय वगैरह पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं तो आपके वो दूसरे जगह में भी पानी वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड कहीं भी जा सकता है, जिस नस में भी जाने की जगह उसे मिली जा सकता है। अब अगर दिमाग में चला गया तो दिक्कत, कान में चला गया तो दिक्कत, तो कुल मिला के बात यह है कि बेड पे बैठ के कभी भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाने का जो भी जगह बनाया हुआ है उसे वैसे ही खाना चाहिए। और जो व्यक्ति बेड पे बैठ के खाना खाते हैं उनका मुंह रिसर्च में पाया गया है कि अपेक्षाकृत ज़्यादा खुलता है खाने के लिए, इससे क्या होता है खाना खाते समय आप बहुत सारी हवा भी पेट के अंदर ले लेते हैं जिससे गैस का सामना भी उनको करना पड़ता है, तो इससे भी बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें।
अगर आपके कुछ सुझाव भी हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। जय माता दी।